और अब शुरुआत करते हैं देश का बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच पहले दिन की बैठक से कोई हल नहीं निकला। एलएसी पर पीछे हटने से चीन ने इनकार कर दिया है। एलएसी पर शांति के लिए आज फिर से बैठक होगी। भारत चीन के कोर कमांडर्स स्तर की बैठक है। कल की बैठक में नहीं निकला कोई समाधान। कल देर रात तक चली भारत चीन के अधिकारियों की बैठक। बैठक में कोई हल नहीं निकला। अशांति और जंग चाहने वाला ड्रैगन एक बार फिर अपनी जिद पूरी करने में जुटा है। मालदो में भारत और चीन के बीच दूसरे दिन की बैठक आज होगी, तो कल 15 घंटे से चली बैठक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। चीन की जिद है वो शांति के लिए कोई काम नहीं करेगा। वो किसी भी हाल में पैंगोंग, हॉटस्पैंग और डेपसोंग से पीछे नहीं हटेगा। लंबे दौर तक चली इस बैठक में कि पहला मौका था जब किसी सैन्य बातचीत में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने भी हिस्सा लिया है। एक इंच जमीन नहीं छोड़ेगा हिंदुस्तान। एलएसी पर टूट जाएगा चीन का गुमान। हिंदुस्तान शांति के लिए काम करता है, शांति के लिए जीता है, लेकिन ड्रैगन की चालबाजी और तनाव बरकरार रखने की रणनीति के आगे भारतीय फौज ने भी कसम खाई है कि वो अपनी एक इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। क्या पूर्वी लद्दाख बनेगा जंग का मैदान? बेनतीजा रही बैठक तो शुरू होगा जंग का काउंटडाउन। मई की शुरुआत में तनाव के बाद से ही भारतीय और चीनी सैनिक एलएसी के साथ कई पॉइंट्स पर आमने सामने आ चुके हैं। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में सैन्य तनाव ज्यादा है, जहां दोनों सेनाओं ने सर्दियों में भी अपनी पोजीशन पर डटे रहने की तैयारी कर ली है। सीमा पर शांति के लिए दोनों देशों की कोर कमांडर की बैठक पर भी आज पूरे दिन नजर होगी, लेकिन चीन जिस तरह से अपनी जिद पर अड़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो शांति चाहता है। सीमा पर चीन की जंग की तैयारी और युद्धाभ्यास से साफ है कि वह शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मतलब साफ है कि बैठक फाइनली बेनतीजा रही तो जंग का काउंटडाउन चालू हो जाएगा। दूसरे देशों को धमकाने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ने में माहिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूएनजीए में अपना महाज्ञान दिया है। यूएनजीए में जिनपिंग का अपने काम से उल्टा बयान। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए, दूसरे खासकर छोटे देशों को धमकाना नहीं चाहिए, किसी को भी किसी देश पर दादागिरी का हक नहीं है, ये जिनपिंग का कहना है। और जिनपिंग के इन महाझूठों से ये साफ पता चलता है कि चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और। दूसरे देशों को किसी को भी धमकी देने का अधिकार नहीं है, खासकर तब जब वो देश छोटा हो। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हर देश को पालन करना चाहिए। किसी भी देश को दुनिया भर दादागिरी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दुनिया में जितने भी छोटे बड़े देश हैं, सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बातें बड़ी बड़ी और दर्शन छोटे, ये महाज्ञान अगर दुनिया के किसी भी देश को नहीं पता हो तो सुन लें। खुद को महाज्ञाता और सबसे ताकतवर समझने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ये ज्ञान दिया है। बड़ी बड़ी बातें करने में जिनपिंग है तो नंबर वन, तो अपने दिए ज्ञान से उलट करने में भी संकी तानाशाह टॉप पर हैं। झूठ और चालबाजी के सहारे दुनिया को जीतने का सपना देखने वाले जिनपिंग को सोचना चाहिए कि वो कहते क्या है और करते क्या है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर यूएनजीए में एक उच्च स्तरीय बैठक में जिनपिंग ने अपने संबोधन में ये बातें कही। इस ऐतिहासिक मौके पर यूएन के 193 सदस्य आपसी सहयोग और भविष्य में मिलजुल कर विकास के एजेंडे पर चर्चा करते हैं, लेकिन जब जिनपिंग के महाज्ञान के सागर से उनके शब्द फूटे तो दुनिया भी हंसती रह गई, क्योंकि जिनपिंग के दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के कुछ और। जिनपिंग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। बड़ी बातें करने वाले जिनपिंग ठीक उल्टा काम कर रहे हैं। एक तरफ तो छोटे देशों के लिए प्यार और सम्मान की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ ताइवान और भूटान जैसे देशों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और ताइवान की सीमा में घुसकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। इधर जिनपिंग की सेना एलएसी पर आकर हिमाकत और दादागिरी कर रही है। लद्दाख में तो भारत चीन जंग के मुहाने तक पहुंच चुके हैं। चीन का गौर रिहर्सल के वीडियो में फर्जीवाड़ा सामने आया। गुआम हमले वाले प्रोपेगेंडा वीडियो में फर्जीवाड़ा। प्रोपेगेंडा वीडियो में हॉलीवुड फिल्मों के सीन लगाए गए हैं। प्रोपेगेंडा वीडियो में हॉलीवुड फिल्मों के सीन चुराकर पीएलए का फर्जी पराक्रम दिखाया गया। 2 मिनट 15 सेकंड के वीडियो में भी चीन ने फर्जीवाड़ा किया। हॉलीवुड के सहारे चीनी सेना की प्रचार विंग, हॉलीवुड की फिल्म
द हर्ट लॉकर, ट्रांसफॉर्मर्स, रिवेंज ऑफ द फॉलन और एक्शन थ्रिलर द रॉक से कई सीन्स को चुराया गया है। हॉलीवुड के फिल्मी सीनों को पीएलए का पराक्रम दिखाया गया है। ये वीडियो पीएलए के वीवो अकाउंट पर अपलोड किया गया था। तो चीन लगातार तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, युद्धाभ्यास का वीडियो जारी करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ड्रैगन। 100 सेकंड में देखिए चीन का नया प्रोपेगेंडा वॉर। ये ड्रैगन का नया प्रोपेगेंडा वीडियो है। इस वीडियो के जरिए एक बार फिर चीन हिंदुस्तान को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है और एलएसी पर तनाव को बढ़ा रहा है। इस वीडियो के जरिए ड्रैगन हिंदुस्तान को ये बताना चाहता है कि हिंद की फौज चीनी फौज के सामने टिक नहीं सकती। भारतीय सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चीन। भारत पर दबाव बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक स्तर पर जंग लड़ रहा है ड्रैगन आर्मी का फर्जी प्रोपेगेंडा। भारतीय फौज पर नहीं चलेगा एजेंडा। ग्लोबल टाइम्स ने ईस्टर थिएटर कमांड के हवाले से यह वीडियो जारी किया है, जिसमें चीनी सैनिक कभी जंगलों में तो कभी रेगिस्तान में युद्ध अभ्यास करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के जरिए चीनी सेना की भारत को डराने और धमकाने की कोशिश है कि अगर जंग हुई तो जवाब ऐसा ही होगा। ड्रैगन को ये भी समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान कभी प्रोपेगेंडा नहीं करता। वो या तो छेड़ता नहीं, और अगर कोई छेड़ता है तो उससे सीधे जंग के मैदान में ही निपटाता है। भारतीय सीमा पर ड्रैगन की नजर, ताइवान सीमा पर जंग का प्रोपेगेंडा। एक तरफ एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीनी सैनिकों के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ ताइवान सीमा पर ड्रैगन के लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। इस दौरान चीन का लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस गया। सोमवार को चीन के दो टोहे विमान ताइवान की सीमा में घुस आए। तो ड्रैगन अपनी करतूतों से बाज आने वाला नहीं है, अब वो अपने मिसाइल की ताकत दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर चीन की किलर मिसाइल का वीडियो शेयर किया जा रहा है। दुनिया में विश्व युद्ध कराने की ढोल पीट रहे ड्रैगन के लोग अब DF-21 यानी डोंगफेंग 21 का वीडियो जारी कर रहे हैं, उसे ट्वीट कर रहे हैं। चाइनीज सोशल मीडिया पर DF-21 का वीडियो शेयर किया जा रहा है और लिखा जा रहा है कि कैरियर किलर DF-21D की रेंज 1800 किलोमीटर की है, जिसमें 600 किलोग्राम का वारहेड है जो सटीकता के साथ वार करता है। ये सब कुछ ड्रैगन अपने ही देश के नागरिकों को धोखा देने के लिए करा रहा है। उसमें उसका सबसे बड़ा हथियार ग्लोबल टाइम्स है। ड्रैगन एक और बातचीत कर रहा है, दूसरी ओर वो साजिश रच रहा है। वो एक ओर शांति के कबूतर उड़ाता है और दूसरी ओर युद्ध की धमकी देता है। चीन के फर्जी खबरों की फैक्ट्री ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि ये देखिए, तिब्बत मिलिट्री कमांड के पास पीएलए के सैनिक समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इससे सैनिक रात के समय में भी हमला कर सकते हैं। एलएसी पर तनाव के बीच तिब्बत मिलिट्री कमांड के पास रात को ट्रेनिंग और फिर उसका जारी किया गया वीडियो शायद इस बात का संदेश है कि ड्रैगन कभी भी घात कर सकता है। वो इसी फिराक में है, शायद इसलिए वो किसी भी बैठक का कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने दे रहा। लेकिन ड्रैगन ये भूल गया है कि दिन हो या रात, दोपहर हो या शाम, भारत के शूरवीर 24 घंटे हर प्रहर अपनी सीमा की सुरक्षा करना जानते हैं। वो तैनात हैं दिन में भी रात में भी, उनकी पैनी निगाहें अपनी सीमा की चौकसी करती रहती हैं। ड्रैगन कितना भी वार ड्रिल कर ले, उसके फस सेना को धूल चटाने के लिए हमारे जाबाज तैयार खड़े हैं। इधर चीन के अतिक्रमण के खिलाफ ताइवान सख्त है। ताइवान ने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। एयर स्पेस उल्लंघन पर होगी जवाबी कार्रवाई, आत्मरक्षा में जवाब देना हमारा अधिकार है, ये ताइवान ने कहा है। चीनी फाइटर जेट ताइवान में कर रहे हैं घुसपैठ। तो ताइवान को डराने की कोशिश में जुटा हुआ है चीन। चीन के दो टोही विमान फिर से ताइवान के एयर स्पेस में घुसे हैं। ताइवान की चेतावनी के बाद वापस लौटे चीन के विमान। चीन लगातार अपने बॉम्बर और फाइटर जेट्स भेजकर ताइवान को धमकाने की कोशिश कर रहा है।
इधर अमेरिका और ताइवान की बढ़ती नजदीकियां चीन को फूटे आंख नहीं सुहा रही हैं। ड्रैगन अब ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करने का मन बना रहा है। चीन तो ताइवान पर खुला हक जताने लगा है। वो ऐलान करने लगा है कि ताइवान मेरा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है और ताइवान स्टेट में मिडिल लाइन नाम की कोई चीज नहीं है। ये वही मिडिल लाइन है जो चीन और ताइवान को अलग करती है। अमेरिका से ताइवान की बढ़ती नजदीकियों और जापान के दखल से आग बबूला हुआ ड्रैगन अब ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करने का मन बना रहा है। जिनपिंग की लाल आर्मी ताइवान में ड्रिल कर रही है, जिस वक्त अमेरिका के उप विदेश मंत्री किथ क्रास ताइवान को लोकतांत्रिक देश बनाने वाले पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई को श्रद्धांजलि दे रहे थे, ठीक उसी वक्त चीन आसमान के जरिए ताइवान में घुसपैठ कर रहा था। ड्रैगन ने अपने 19 फाइटर जेट उड़ाए और ताइवान के विरोध के बावजूद वो आसमान में दबंगई दिखाता रहा। चीन के इस घुसपैठी बेड़े में 12 J-16 फाइटर जेट, 2 J-10 फाइटर जेट, 2 J-11 फाइटर जेट, 2 H-6 परमाणु बॉम्बर और 1 Y-8 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट शामिल था। चीन की चालाक चाल के बाद ताइवान एयरफोर्स के लड़ाके भी एक्टिवेट हुए। वार्निंग जारी की गई, चीनी जहाजों को खदेड़ने का मिशन बनाया गया। चीन ताइवान से बढ़ते तनाव के बीच पिछले कई दिनों से लाइव फायर एक्सरसाइज भी कर रहा है। चीनी सैनिक बम वर्षक जहाज, रॉकेट लॉन्चर्स और आधुनिक युद्धपोत इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस वॉर ड्रिल को PLA ईस्टर्न थिएटर कमांड में अंजाम दे रही है और ताइवान को डराने के लिए जिनपिंग का गुलाम अखबार जमीन पर माहौल तैयार कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि ये जंग से पहले की तैयारी है जिससे ताइवान को खौफ खाना चाहिए। अखबार में खुलेआम लिखा गया है कि ड्रैगन ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। और अब एक बड़ी खबर बॉलीवुड से है। कंगना रनौत ने दीपिका पादुकोण पर ताना मारा है। दीपिका पर कंगना रनौत का तंज, बड़े स्टार के बच्चे पूछते हैं माल है क्या, ड्रग्स लेने का परिणाम है डिप्रेशन, क्लासी बच्चे डिप्रेशन में मांगते हैं ड्रग्स। ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण का नाम आने के बाद कंगना रनौत ने तंज कसा है। कंगना ने ट्वीट किया, रिपीट आफ्टर मी, ड्रग्स लेने का परिणाम है डिप्रेशन। उन्होंने लिखा कि तथाकथित हाई सोसाइटी के बड़े स्टार के बच्चे जो क्लासी होने का दावा करते हैं और अच्छी परवरिश पाते हैं, अपने मैनेजर से पूछते हैं माल है क्या। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा को एनसीबी का समान, एनसीबी ने करिश्मा को आज पूछताछ के लिए बुलाया भी है। दीपिका की मैनेजर करिश्मा से होंगे एनसीबी के सवाल। दीपिका पादुकोण ड्रग कनेक्शन पर हो सकते नए खुलासे। जया साहा श्रुति मोदी से भी पूछताछ करेगी एनसीबी। दीपिका पादुकोण जया साहा की करीबी है करिश्मा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस की एनसीबी जांच कर रही है और इस जांच में बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के नाम सामने आ रहे हैं। श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान जैसे कई उभरते सितारों के बाद अब बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार दीपिका पादुकोण का नाम भी इस जांच में सामने आया है। 100 सेकंड में देखिए पूरी खबर जिसमें दीपिका कह रही है माल है क्या। पहली पर्दे पर अपने हुस्न का जलवा बिखेरने वाली बॉलीवुड की नई अदाकारा नशे के भंवर में घिरी हुई है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा होने के बाद अब परत दर परत कई राज बेपर्दा हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस की एनसीबी जांच कर रही है और इस जांच में बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के नाम सामने आ रहे हैं। श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान जैसे उभरते सितारों के बाद अब बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार दीपिका पादुकोण का नाम भी इस जांच में सामने आया है। ड्रग्स मामले की जांच के दौरान डी यानी कि दीपिका पादुकोण, एन यानी कि नम्रता शिरोडकर, एस यानी श्रद्धा कपूर और के यानी कि करिश्मा का नाम सामने आया है। दीपिका को जया शाह की कंपनी की मैनेजर करिश्मा के साथ ड्रग चैट में पकड़ा गया। ये खुलासा सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी ने किया है। एनसीबी को व्हाट्सएप चैट मिली है जिसमें दीपिका पादुकोण और करिश्मा ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही है। दीपिका करिश्मा से पूछ रही है कि क्या तुम्हारे पास माल है, इसके जवाब में करिश्मा कहती है हाँ लेकिन घर पर, मैं बांद्रा में हूँ। इस पर करिश्मा किसी अमित का नाम लेकर कहती है कि मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। इस पर दीपिका कहती है यस प्लीज। कुछ देर बाद करिश्मा कहती है कि अमित लेकर जा रहा है। इस पर दीपिका पूछती है कि हैश है ना, लेकिन करिश्मा कहती है कि हैश नहीं गांजा है। दीपिका पादुकोण के अलावा ड्रग्स मामले में 90 के दशक की हीरोइन नम्रता शिरोडकर और श्रद्धा कपूर का नाम भी शामिल है। इनके चैट भी सामने आए हैं।
बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को बेनकाब करने में जुटी एनसीबी ने आज जया शाह, उनकी कंपनी के मैनेजर करिश्मा और सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए बुलाया है। पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। फिलहाल बॉलीवुड की रंग बिरंगी दुनिया के पीछे छिपा ड्रग्स का गुबार अब धीरे धीरे रिसने लगा है। सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन सामने आने और कई सेलिब्रिटीज के नामों के खुलासे के बाद एनसीबी ने क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव को समन भेजा है। ध्रुव से आज एनसीबी पूछताछ करेगी। इसके अलावा एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर मधु मांचना वर्मा का नाम भी शामिल है। सुशांत केस में कई बड़े खुलासे, कई सेलिब्रिटीज का ड्रग कनेक्शन, क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव को समन भेजा गया है और ध्रुव से आज एनसीबी पूछताछ भी करेगी। यौन शोषण मामले में अभी दर्ज नहीं हुई अनुराग कश्यप पर एफआईआर। मुंबई में देर रात दर्ज नहीं हुई अनुराग कश्यप पर एफआईआर। देर रात अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंची थी एक्ट्रेस पायल घोष। करीब दो घंटे पुलिस स्टेशन में मौजूद रही पायल। अनुराग कश्यप के खिलाफ पायल घोष की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अभिनेत्री के वकील ने कहा है कि दोपहर में दर्ज कराएंगे एफआईआर, एनसीडब्ल्यू में भी करेंगे कंप्लेन। साथ ही यौन शोषण मामले में एफआईआर के बाद अनुराग कश्यप की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। देर रात एफआईआर दर्ज कराने गए पायल के वकील ने कहा कि बयान दर्ज करने के लिए कोई महिला अधिकारी नहीं थी, पुलिस स्टेशन का क्षेत्राधिकार भी तय नहीं हो पा रहा था। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री की जांच में ड्रग एंगल की पड़ताल कर रही एनसीबी की जांच का दायरा काफी आगे बढ़ चुका है। बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई के पीछे पाकिस्तान पंजाब के लिंक है। एनसीबी को बड़े ड्रग्स संगठनों के लिंक मिले हैं। एनसीबी मुंबई में कोकीन सप्लाई का पता लगाने में जुटी हुई है। एजेंसी ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा की ईडी से भी मदद मांगी है। और अब आगे एक बड़ी खबर की बात। रोहतांग सुरंग के इंतजार में बूढ़ी हो चुकी आंखें अब जल्द ही अटल टनल रोहतांग का दीदार करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को अटल टनल का लोकार्पण करने वाले हैं। पीएम लाहौल घाटी के उन बुजुर्गों को सम्मानित भी करेंगे जिन्होंने टनल के काम में जी तोड़ मेहनत की है। 100 सेकंड में देखिए पूरी खबर। चीन और पाकिस्तान हो जाओ सावधान, पीआरओ ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। 10 सालों की मेहनत रंग लाई, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार। अटल टनल पर टिकी दुनिया की निगाह। दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल किसी अजूबे से कम नहीं, दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल भारत में बनकर तैयार हो गई है। इसे बनाने में तकरीबन 10 साल लगे, पर अब जब ये बनकर तैयार हो गई है तो सारी दुनिया की निगाहें इसी पर हैं। समुद्र तट से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी इस टनल का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 अक्टूबर को मनाली जाने का प्रोग्राम है। पीएम वहीं अटल टनल का उद्घाटन भी करेंगे। पहले से तय कार्यक्रम के तहत पीएम लाहौल का भी दौरा कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अटल टनल का उद्घाटन करने के बाद पीएम लाहौल घाटी में बुजुर्गों को सम्मानित करेंगे। पीएम मोदी उन बुजुर्गों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने रोहतांग दर्रे पर सुरंग बनाने में जी तोड़ मेहनत की। इन बुजुर्गों को सबसे पहले टनल की सैर भी करवाई जाएगी। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सबसे पहले सीनियर सिटीजन इस टनल की सैर पर जाएंगे। इस टनल के बनने से अब लद्दाख पूरे साल देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ा रहेगा। इस टनल की वजह से मनाली से लेह की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। टनल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। इस टनल की मदद से लाहौल स्पीति के बीच सभी तरह के मौसम में सड़क यातायात सुगम हो जाएगा। और चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बेहद खास क्यों है। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे 10 साल में ये अजूबा तैयार किया गया। 100 सेकंड में देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अपने आप में बेहद खास है, इसीलिए TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची देश की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी टनल पर। TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखाएंगे देश की सबसे ऊंची सुरंग, वो सुरंग जिसे बनाने में 10 साल का वक्त लगा। पहाड़ों को चीर कर करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के अफसरों और इंजीनियर्स की टीम ने एक चमत्कार कर दिखाया है, एक करिश्मा कर दिया है। इस टनल के जरिए भारतीय सेना के सीमा सड़क संगठन ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया।
भारतीय सेना के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पहाड़ों, बर्फीली वादियों और पानी के नालों को चीरकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर अजूबा तैयार कर दिया। हर साल देश से करीब 6 महीने तक कटे रहने वाले 40,000 लोगों को ये टनल अब नई लाइफलाइन देगी। इस सुरंग को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किन मुश्किल हालातों में इस सुरंग को बनाने का काम किया गया होगा। जिस जगह पर सांस लेना भी मुश्किल है, वहां पर इंजीनियर दिन रात सुरंग बनाने में लगे रहे। अब आपको बताते हैं आखिर अटल टनल इतनी खास क्यों है। अटल टनल करीब 8.8 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी है। इस टनल को आधुनिक तौर पर तैयार किया गया है। इसमें धुआं निकलने और ऑक्सीजन आने की भी उचित व्यवस्था की गई है। इस टनल के नीचे एक आपात टनल भी बनाया गया है। अगर कोई हादसा होता है या टनल में कोई समस्या होती है तो दूसरी टनल से बाहर निकला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। संसद परिसर में निलंबित सांसदों का धरना, पूरी रात धरने पर बैठे रहे निलंबित सांसद। हम यहां से हिलेंगे नहीं, ये कहना है निलंबित सांसदों का। विपक्षी दलों का संसद परिसर में मैराथन धरना, तकिया चादर लेकर धरने पर बैठे निलंबित सांसद। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, सीपीएम, शिवसेना, जेडीएस, टीएमसी, सीपीआई और समाजवादी पार्टी के नेता संसद परिसर में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, डेथ ऑफ पार्लियामेंट और शर्म की बात जैसे पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,